नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि भारत को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी की अवधारणा पर दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं, उन्होंने ये कहा। उनका इशारा कनाडा की तरफ था, जिसके साथ इन दिनों भारत का राजनयिक टकराव देखने को मिल रहा है। जयशंकर ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार हिंसा भड़काने तक नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बता दें, संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि मैंने अमेरिका में भी ये बातें कही हैं और मैं कनाडाई लोगों से भी कहना चाहता हूं, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हमें दूसरे लोगों से ये सीखने की जरूरत नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, लेकिन हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी हिंसा भड़काने के स्तर तक नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए आजादी का गलत इस्तेमाल है, ये स्वतंत्रता की रक्षा नहीं है। बता दें, उन्होंने इस दौरान सवाल भी पूछे। विदेश मंत्री ने आगे एक सवाल किया कि अगर भारत की जगह कोई और देश होता तो वो किस तरह बर्ताव करता, जहां आपको राजनयिकों, दूतावासों और नागरिकों को हमेशा डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। उन्होंने आप अगर मेरी जगह होते तो कैसे रिएक्ट करते, ये भी कहा। यदि वो आपके राजनयिक, आपके दूतावास, आपके लोग होते तो आपका क्या रिएक्शन होता। दरअसल कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों की वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां कनाडा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का निशाना साधना चर्चाओं में है।